हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपना 9th प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है एलईडी फायर इफेक्ट। इसमें बेसिकली हम एलईडीज का ब्राइटनेस को डिफर करके एक फायर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें एक रेड एलईडी का ज़रूरत है, और फिर दो येलो एलईडी, और 3 करंट लिमिटिंग रेसिस्टर्स। बस इन 3 कंपोनेंट्स का हमें ज़रूरत है। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर का वैल्यू आप 85 ओम से लेकर 200 ओम के बीच कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए सर्किट को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सर्किट जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम फायर इफेक्ट को जनरेट करने के लिए हमने येलो रेड और येलो का सीक्वेंस रखा है एलईडीज का। तो आप जब सर्किट को कनेक्ट कर रहे होंगे तो आप भी इसी सीक्वेंस में कनेक्ट करें एलईडीज को, इससे फायर इफेक्ट जनरेट होगा। और आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल एलईडीज का कनेक्शन होता है वो वही है। शॉर्टर लेग्स को ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, और लॉन्गर लेग्स को रेसिस्टर के थ्रू पिन नंबर 11, 10 और 9, ये PWM पिन है, पिन से PWM इनपुट्स लेने के लिए यूज़ होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हम PWM इनपुट्स पिन का ही यूज़ करते हैं डिजिटल पिन्स में। और हमारे एंड्रॉयड ऊनो में 6 पिन्स, पिन नंबर 3, 5, 6 और 9, 10, 11 जो है वो हमारा PWM इनपुट पिन्स होता है, उससे हम एनालॉग सिग्नल या जो इनपुट दे सकते हैं। चलिए अब हम अपने सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सर्किट को कनेक्ट कर लिया है। आई होप कि आपने भी कनेक्ट कर लिया होगा। और अगर आपको सर्किट कनेक्ट करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो आया हो तो मैं अभी सर्किट समझाने वाला हूँ, उसके बाद आप सर्किट को कनेक्ट कर लें। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एलईडीज एडजेसेंटली रखा है। इसमें मैंने ऑर्डर को फॉलो किया है, येलो रेड और येलो। उसका जो कनेक्शन है, मैंने जो एलईडीज हैं उन उसके लॉन्गर लेग्स यानी कि पॉजिटिव को डिजिटल इनपुट पिन्स में कनेक्ट किया है, और शॉर्टर लेग को रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया है। यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, जो हमारा सर्किट है, जो स्क्रीन पे हमारा सर्किट है, उसमें शॉर्टर लेग को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया गया, और लॉन्गर लेग को रेसिस्टर के थ्रू डिजिटल इनपुट पिन से कनेक्ट किया गया है। लेकिन मैंने इसका उल्टा किया है, मैंने शॉर्टर लेग को रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और लॉन्गर लेग को डायरेक्टली डिजिटल इनपुट पिन से कनेक्ट किया गया है। दोनों सेम है। मैं हर वीडियो में सिर्फ सर्किट डिफरेंटली इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे कि सर्किट का ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, हाँ, जब तक कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट रहे। तो चलिए अब हम अपने कोड को पहले समझ लेते हैं, तो फिर इस प्रोजेक्ट के कोड को टाइप करके और अपलोड करेंगे आर्डुइनो आईडीई के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इस प्रोजेक्ट का कोड। सबसे पहले तो हमने इस कोड में 3 लेड पिन वैल्यूज के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लेड पिन 1, 2 एंड 3, जो कि 9, 10 एंड 11 है, जैसा कि हमने अपने सर्किट में कनेक्ट किया है। फिर सेटअप फंक्शन में हमने उनके मोड्स को चेंज कर दिया है आउटपुट मोड में पिन मोड फंक्शन के थ्रू। फिर लूप फंक्शन में हम एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम PWM इनपुट देते हैं तो हम डिजिटल पिन का यूज़ करते हैं, डिजिटल PWM पिन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो फंक्शन यूज़ होता है वो हमारा एनालॉग राइट फंक्शन होता है। फिर से एक बार, डिजिटल इनपुट पिन्स में PWM इनपुट देने के लिए एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ किया है। हर पिन को हमने रैंडम नंबर, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोजेक्ट में देखा था, रैंडम फंक्शन हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। उसका जो हम पैरामीटर देते हैं, जो भी नंबर हम पैरामीटर एज ए पैरामीटर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 120 दिया है, तो रैंडम फंक्शन एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से लेकर 119 तक। जैसा कि यहाँ पे हमने पैरामीटर 120 दिया है, तो वो 0 से लेकर 119 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी n वैल्यू देते हैं तो वो 0 से लेकर n-1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, और उस पे हम 135 ऐड कर ले रहे हैं ताकि जो ब्राइटनेस लेवल है वो मेंटेन रहे एलईडी का मिनिमम। तो इससे क्या होगा कि अगर रैंडम नंबर 0 वैल्यू भी जनरेट करता है तो हमारा मिनिमम ब्राइटनेस 135 के लेवल पे तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम एक डिले दे रहे हैं, उसमें भी हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 0 से लेकर 99 के बीच में,
और इसके लिए हम पैरामीटर 100 का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे डिले कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 99 के बीच में कोई भी डिले आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हम एक फायर इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो फायर इफेक्ट में एक डिफरेंस बना रहेगा, हमेशा एक वेरिएबल डिले रहेगा, जिससे कि जो इफेक्ट है वो हमारे अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोड। चलिए अब हम इस कोड को पहले टाइप कर लेते हैं IDE में और फिर इसको अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कोड को टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसा कि हमने लेड पिन 1, 2 और 3 का यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक एरे क्रिएट कर लिया है 3 एलिमेंट्स का, जिसमें मैंने स्टोर किया वैल्यू 9, 10 और 11। तो जब भी वैल्यूज़ हमें एक्सेस करने होंगे, जो भी लेड पिन का वैल्यू हमें एक्सेस करना होगा, वो हम इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। इससे हमारा जो कोड है वो शॉर्टर लेंथ का होगा। तो सेटअप फंक्शन में हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। आपके जो हमने जो कोड डिस्कस किया था, उसमें हम हर लेट पिन के लिए, लेट पिन वैल्यू के लिए हम अलग अलग पिन मोड फंक्शन यूज़ किए थे। यहाँ पे हम एक लूप चला के 2 लाइन में ही उस कोड को कंप्लीट कर लिए, कि एक फॉर लूप चला लिए 0 से लेकर 2 तक, और अलग अलग लेट पिन के वैल्यू 0, 1, 2 इंडेक्स वैल्यू के लिए, जो हमारा वैल्यूज़ है 9, 10 और 11, उसके पिन नंबर्स के लिए हमने उसका मोड चेंज कर दिया आउटपुट में। उसके बाद हम लूप फंक्शन में आते हैं, i=0 से लेकर i=3 तक। इसमें भी हम एनालॉग राइट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम PWM इनपुट देते हैं तो एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एनालॉग राइट यूज़ करके हम लेट पिंस एरे के तीनों वैल्यूज 0, 1, 2 इंडेक्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, और उसमें हम वैल्यू जो इंसर्ट कर रहे हैं एनालॉग राइट के फंक्शन के थ्रू, वो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 120, 0 से लेकर 120 के बीच में, 119 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। उसमें हम 135 ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मिनिमम ब्राइटनेस लेवल है वो 135 पे बना रहे, जो हमें इफेक्ट दिखेगा वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके बाद हम डिले दे रहे हैं, जो हमने जैसा कि हमने कोड में डिस्कस किया था कि रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, एक 0 से लेकर 99 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर। इससे क्या होता है कि जो इफेक्ट है वो हमारा और भी अच्छे से दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इंसिस्ट करूँगा कि अगर आपने सी वीडियोस नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उस वीडियोस को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देखें, और जिससे कि आपको कोड को समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, अब हम इस कोड को पहले वेरीफाई कर लेते हैं और फिर अपलोड करेंगे। हमारा कोड वेरीफाई हो चुका है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है, तो अब हम कोड को अपलोड कर देते हैं। कोड को अपलोड करने से पहले आप आर्डिनो को पीसी से कनेक्ट कर लें यूएसबी पोर्ट के थ्रू, और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पोर्ट को सिलेक्ट कर लें और बोर्ड को भी सिलेक्ट कर लें, और फिर अपलोड कर दें अपने कोड को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कोड अपलोड हो चुका है, और आप सोच रहे होंगे कि इसमें फायर इफेक्ट क्या है। इसमें तो सिर्फ LED ब्लिंक कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस पे। तो इस फायर इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक A5 से इस पेपर को ऐसे रोल कर ले, सिलेंड्रिकल रोल कर ले, और उसको इस LEDs को उससे ढक दें। अपने रूम के लाइट्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं, उससे आप इजीली फायर इफेक्ट को कुछ इस तरह का आइडेंटिफाई करेंगे कि इस तरह का वो फायर इफेक्ट होगा। और बेसिकली फायर इफेक्ट यही है कि जो इसका जो लाइट का मिक्सचर है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक फायर जनरेट होता है, वैसा दिख रहा है। तो ये था हमारा 9th प्रोजेक्ट, LED फायर इफेक्ट। इसमें हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया था, जिसमें हमने LED के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इनकार्ट का किट नहीं खरीदा है, तो मैं आपको फिर से इंसिस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे दिए गए वेबसाइट के लिंक को फॉलो करके इनकार्ट के किट को ऑर्डर करें। उसके साथ जो आपको मैनुअल मिलता है, उसे पढ़कर आपको प्रोजेक्ट्स को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।